नमस्कार दोस्तों, आप सभी का क्रिएटिव फार्मिंग चैनल पर स्वागत है। जैसे कि दोस्तों, फसल की रुपाई के बाद जैसे आप सब्जी वर्गीय फसल लगाते हैं, टमाटर, मिर्च, शिमला मिर्च वगैरह, इसमें क्या है, जब पौधा बड़ा हो जाता है तो इसमें सहारे की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब फल आते हैं तो गिरने लगता है और जब ज़मीन में हो जाता है तो फल ख़राब होते हैं। तो इसको बधाई के लिए बाँस की बम्बू गाड़ना पड़ता है, फिर उसके बाद रस्सी से इसको बांधते हैं। तो बाँस की बम्बू गाड़ने का आज हम आपको एक बिल्कुल शानदार जुगाड़ बताने वाले हैं, जिसकी सहायता से आप आसानी से बांस गाड़ सकते हैं। चलिए आप वीडियो में बने रहें और इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी इस पर बताते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ इस प्रकार से लोहे की पाइप में इस तरह से होल करवा के आगे पैक करवाना है, और पकड़ने के लिए कुछ इस तरह से ज्वाइंट आपको लगवा लेना है, जिसको आप पकड़ के आप ऊपर नीचे करके इसमें धक्का मारेंगे। जैसे इस प्रकार से लगा रहे हैं, बल लगा के नीचे धक्का मारेंगे और आसानी से आपकी बांस की बल्ली जो है नीचे आपकी गड़ जाएगी। जितनी ऊंचाई पर आपको गाड़ना है अंदर, उतना आप धक्का लगाते जाइए और नीचे दबता जाएगा। जैसे देख रहे हैं, आसानी से लग गया। अब एक आपको दूसरा भी लगा के दिखाते हैं कि कैसा ही लगता है। इसमें सिंपल सा आप देख रहे हैं, ऐसा जुगाड़ है, दो ढाई तीन फीट का। इसी तरह से आप बांस इसमें अंदर डालना है, और बांस डालने के बाद इसको आप ज़मीन पर रख के थोड़ा सा पहले दबा लीजिए, जिससे बांस गिरे नहीं। और इसको दबाने के बाद इसको ऊपर नीचे करके आपको धक्का लगाना है, जैसे कि आप देख रहे हैं, हाथ से पकड़ के ऊपर नीचे तेज़ से लगाना, जिससे आसानी से मिट्टी में दब जाए। जैसे कि ये देख रहे हैं, दो तीन चार बार में आसानी से दब जाता है, और आसानी तरीके से आप बांस बम्बू लगा सकते हैं। और अपने फसल में जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ अब बधाई का काम शुरू होगा, तो वो बांस की गड़ाई शुरू हो गई है। कुछ जगह ये होता है, जैसे मतलब फसल पौधा 15-20 दिन का होता है तो वो लगाना शुरू कर देते हैं, यहाँ थोड़ी लेट है। तो आप इस प्रकार से इसमें बांस गाड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह जुगाड़ कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो खेती किसानी में नई नई जानकारी, टेक्नोलॉजी, जुगाड़ पाने के लिए आप हमारे वीडियो को, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आप तक सबसे पहले हमारी जानकारी पहुंच पाए। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय किसान।